मैंने कहा इसमें भाग आ गए थे क्या, पूरा यहाँ फेंक दिया भाई कुरान शरीफ और पूरे मिल जाता जी कैमरे चेक करेंगे अपन कम ना क्या मरकज में घुसा है। हाँ मरकज में घुसा निकाल के रखे थे साहब, तो वो फैन है अंदर रखे थे नको नको मस्जिद का साथ क्या था मुझे दूसरे जगह से लाके नहीं नहीं यहाँ से भी इकट्ठा करके जाने ये सामान जितना भी है ना साहब नहीं इसमें ऐसा कैसे बोलते उसमें से ऐसा निकाल के लाए डंडा था इसी लोहे का थोड़े ये सामान पूरा बाहर पटरी पे था ये सामान मिल रहा अंदर जाओ नहीं उन लोग आए थे क्रूज टीम वाले अपन नहीं ले ये नहीं थे वो ये रहता उन लोग ये भी ले लो वही भाई ऊपर ऊपर छाप पड़े ये वो देख लगे ऊपर सीसीटीवी होंगे ना कैमरे अपना गए थे क्या ना पूरा पूरा पूरे निकाल के पूरा फेंक दिया भाई पूरा फेंक के सामान पूरा ऊपर से ऊपर टाइम का पाइप तोड़े और पूरे एंट्री खाना पूरे खींचे रहो पूरे पहली बार ये अंदर पहली बार दो बार नाना नाना तोड़े और नहीं एम्पलीफायर निकाल करे थे तो बड़ा वाला सब काम नहीं नेक्स्ट टाइम देखे वहाँ से अच्छे से चार 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 जी 3 बजे से लेके 4:30 के यानी कि 4:30 के आसपास में काम होगा पूरा जी। ये करके ये सामान पूरा पीछे फेंक पटरियों के ऊपर पटरियों के ऊपर फेंक के अपने ये सामने जो नाला है ना वो नाला पूरा क्रॉस कर लिए सामान लोग नाला क्रॉस कर लिए सामान के आगे साइड में रख दिए वहाँ से फिर और रास्ता नीचे उतरने का नीचे उतर के क्या करे वो लोग ये बेचारे गरीब रहते वहाँ पर रिक्शा चला लेते उन्हें उनका रिक्शा क्या करे खींच के ऊपर ले गए जबकि कुफल है रिक्शे को वो रिक्शा ऊपर ले जाकर क्या करे पटरियों के बाजू में रख के पूरा सामान उसके अंदर डाल दिए डाल के क्या करे पत्थर से फोड़ रहे थे बाजू के लोग उठ के वो नहीं रहे बोल के आवाज़ देते क्या करे निकल के भागे हो गए सीधा हो रहे निकल के आके वो टेम्पल के बाजू गली में घुस गए बच्चे पीछे आए भाग लेते वहाँ से कहाँ गब हो गया समझ नहीं आया लास्ट टाइम भी वहाँ से पहले भी 3 मरतबा हुआ और 4 दिन पहले पीछे टॉयलेट के पूरे आईने फोड़वा ले और आज से 20 दिन पहले तकरीबन 8 जोड़ी चप्पल मार दी जुम्मे की नमाज में पुलिस पेट्रोलिंग नहीं होती अपने पास पुलिस पेट्रोलिंग भी हो रही पुलिस में कंप्लेंट भी करे इससे पहले भी जो खुद कंप्लेंट गया पर इससे पहले जो कंप्लेंट गया था उतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था
फिर भी समझो जैसा कि बलाना साहब उल्लगा इल्लगा है और हमारे कॉर्पोरेटर अबरार भाई आए आके माफ जागा करके बस थोड़ा बहुत मजीद की थोड़ा इलाज करके जागा करे पर हाथ जो करे काम वो टोटली बर्बाद कर दिए। इसके अलावा कला में पाक निकाल के बाहर छुटे कुरान की बेहरमती करके तकरीबन देख लिया आप 30 से 35 कुरानों को बाहर फेंक डाले जानी माता पूरे दिन फिट इतनी फैर ऊपर सम जो आता सम की टाकी का वाल छोड़ के उसका पाइप निकालने की कोशिश कर रहा। इसके बाद समझो ऐसा पुलिस वाले आए हाँ पुलिस वाले आए आके हीरो से तकरीबन 4:30 बजे पुलिस वाले आके हीरो से कैसे गलती हुई थी अब वो फिंगर प्रिंट्स वालों को भी बुलाए और अपराध में भी यहीं ठहरे हुए हैं और सिटी कमिश्नर साहब से बहुत बहुत रिक्वेस्ट है कि हमारे बस्ती का माहौल खराब करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हमारे में एकता बहुत अच्छी थी अब किसके दिल में क्या है नहीं मालूम है। हम ये चाह रहे हैं कमिश्नर साहब से कि इस मामले में अच्छी से अच्छी जांच करो जो भी कसूरवार है उसको सही से सही सजा दो ताकि यहाँ हुए ऐसा और कहीं ना हो। हम आपसे बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करेंगे अगर ये मामले को आप जितना हो सका जल्द से जल्द जाँच करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद गौस खान है मैं आबादी में रहता हूँ। मैं मस्जिद से भी ताल्लुक है साहब का मैं हालांकि यही मस्जिद में नमाज पढ़ता हूँ मैं यही मस्जिद का मुसल्ली मुतवल्ली हूँ और सिटी कमिश्नर साहब से आपसे बहुत बहुत रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप ये चीज़ के लिए इमीडिएटली अच्छे से अच्छा एक्शन लीजिए जो कानून के तहत जो कर सकते आप। ये मसला जो है ना साहब खाली पीली के नए फीलिंग डालने वाला मसला है हम नहीं चाहते हैं हमारे कोई फीलिंग होना भाई बोलो 3 वक्त हो गए और ये जो है साहब 3 मरतबा आवास हो फर्स्ट डे खुद हुआ सेकेंड डे को खुद आया थर्ड टाइम है।